में स्थापित प्राचीन शक्तिपीठ मां आशावरी के दरबार में भाजपा सांसद सुशील सिंह ने माथा टेका और पूजन किया। वहीं उन्होंने देश को कोरोना से मुक्त कराने की प्रार्थना की। बता दें कि मंदिर के बारे में लोगों ने बुजुर्गों का मानना है कि यहां पर मां आदिशक्ति का चरण पादुका मिली थी और उसी स्थान पर मंदिर बनाया गया है। वहीं हमारे संवाददाता सांसद सुशील सिंह ने खास बातचीत की और मंदिर के पुजारी से बातचीत कर मंदिर की प्राचीनता को जाना है। अभी हम एक शक्तिपीठ में आज हैं, पूरे नवरात्र में जो है हम एक न एक शक्तिपीठ से जनता को रूबरू करा रहे हैं। आज माँ आशावरी के दरबार में हमारे सांसद औरंगाबाद के सुशील जी का आगमन हुआ है। हम जानेंगे इनसे माँ आशावरी के बारे में और नवरात्र के बारे में क्या संदेश है इनका, इसके बारे में बात करेंगे। सुशील जी, आपका स्वागत है जेएनयू में। तो आप यहाँ पर आज दर्शन करने आए माँ आशावरी शक्तिपीठ में, कैसा महसूस हो रहा है? माँ आशावरी देवी महारानी दुर्गा का रूप है और हम लोगों की कुलदेवी है। मैं हमेशा यहाँ आता हूँ और यहाँ आकर मुझे एक अलग अनुभूति होती है और इसीलिए मेरे मन में ये भावना आई कि अभी नवरात्र चल रहा है तो अपनी कुलदेवी के चरणों में मैं अपना आशीष नमन करूँ। और ये कोरोना काल जो अभी जबरदस्त हमारी जनता झेल चुकी है, कोरोना काल के बाद पहली बार ऐसा मौका मिला नवरात्रि में त्यौहार मना रहे हैं, इस पावन नवरात्रि पर्व में आम जनता के लिए आपका संदेश? मैं आम जनता से मेरे निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि सब लोग बहुत ही खुशी खुशी उत्साह और उल्लास के साथ नवरात्र का पर्व साथ साथ दुर्गा पूजा का पर्व मनाए, साथ साथ थोड़ी सावधानी और सतर्कता भी बरतनी चाहिए क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। बाकी सारी चीजें हों उल्लास के साथ उत्साह के साथ, लेकिन पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ। और मैं माँ आशावरी से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे माहेश्वरी, आप देश को और दुनिया को कोरोना से मुक्ति दिलाएं। अभी आपने सुना, अभी हमारे सांसद महोदय ने भी कहा कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना और आस्था दोनों अलग अलग चीज है। आज भी आस्था में लोग सराबोर है, लेकिन सावधानी के साथ पर्व को मनाए और सराहनी करें। के न्यूज से बात करने के लिए सांसद महोदय धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं के न्यूज। इस नवरात्र के पावन मेला में हम प्रतिदिन अपने चैनल के माध्यम से किसी न किसी शक्तिपीठ का दर्शन कराते हैं, रूबरू कराते हैं, वहाँ के इतिहास के बारे में आपको बताते हैं और वहाँ के पुजारियों से बात करते हैं और वहाँ की परंपरा के बारे में जानकारी करते हैं। इसी क्रम में रोहतास जिला के दावत प्रखंड में आज हम हैं। नवरात्रि पावन मेला में हम प्रतिदिन अपने चैनल के माध्यम से आपको एक शक्तिपीठ का दर्शन करा रहे हैं। इसी क्रम में आज दावत में माँ आशावरी शक्तिपीठ में हम हैं। आइए जानते हैं यहाँ के पुजारी से इस मंदिर के बारे में और माँ के बारे में क्या प्रार्थनाएं हैं और कब आराधना होगी और क्या इनकी मान्यता है। स्वागत है आपका भी इस मंदिर में, स्वागत है। ये शक्तिपीठ के रूप में मानी जाती है माँ आशावरी, इनके बारे में आपको जानकारी दे रहे कब की है और कब की स्थापना हुई है मंदिर? बहुत प्राचीन काल से मंदिर पहले बना हुआ था, नया निर्माण जो है 2000 में हुआ है और यहाँ पर जो मूर्ति स्थापित है ये हमारे जो गाँव के ढिकार कुल देवी के मंदिर है। मैं लगभग यहाँ पे 96-97 से कार्यरत हुआ पुजारी के रूप में और यहाँ नियमित पूजा अर्चना होती रहती है। और अब आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गतिशक्ति का शुभारंभ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं।